सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, तो फाइनली मैंने नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई फिल्म अमर सिंह चमकीला देख ली। द फिल्म इज़ डायरेक्टेड बाय इम्तियाज़ अली एंड इस फिल्म को देखने के बाद हमें ट्रू सेंस में कह सकते हैं कि इम्तियाज़ अली की ये एक कमबैक फिल्म रही, बिकॉज इससे पहले जो उन्होंने कुछ फिल्में बनाई जैसे कि लव आजकल 2 एंड जब हैरी मेट सेजल, उन्हें देखने के बाद तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने जब वी मेट, रॉकस्टार, तमाशा एंड हाईवे जैसी कुछ वर्ल्ड क्लास फिल्में बनाई हैं जिन्हें देखने के बाद लोग आज भी उन फिल्मों को याद कर रहे हैं एंड वो खुद ही अपने स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पा रहे थे। बट अमर सिंह चमकीला कहीं ना कहीं उनके लिए कमबैक रही बिकॉज द फिल्म इज जेन्युइनली वेल मेड। इन केस इफ यू गाइस डोंट नो, देन अमर सिंह चमकीला के बारे में मैं बता दूं, ये पंजाब के एक बहुत ही बड़े सिंगर थे एंड इनको गोली मार करके इनको और इनकी वाइफ उनकी हत्या कर दी गई थी। फिल्म में अमर सिंह चमकीला का रोल दिलजीत दोसांझ ने प्ले किया है और उनकी वाइफ अमरजोत कौर का रोल प्ले किया है परिणीति चोपड़ा ने। एंड नो डाउट दोनों ने ही अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से प्ले किया है एंड स्पेशली जब आपको ये पता चलेगा कि फिल्म में जितने भी गाने गाए गए हैं वो दोनों इन्हीं एक्टर्स ने गाए हैं। दिलजीत दोसांझ तो सिंगर हैं ही और परिणीति चोपड़ा ने भी जो गाने गाए हैं फिल्म में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इस फिल्म का म्यूज़िक दिया है AR रहमान ने एंड लिरिक्स हैं इरशाद कामिल के। तो ये दो लोग जब मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हमको देखने को मिलती है। एंड इसमें अगर आप एक नाम और जोड़ दो मोहित चौहान, फिर तो सोने पर सुहागा है। एंड इस फिल्म में इन तीनों का एक गाना है यानी AR रहमान का म्यूज़िक, इरशाद कामिल के लिरिक्स एंड मोहित चौहान की आवाज़। उस गाने का नाम है इश्क मिटाए, जो गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस पूरी फिल्म का जो बेस्ट सॉन्ग था वो वही था। सो अमर सिंह चमकीला उस टाइम की एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है, बहुत फेमस सिंगर थे उस टाइम के, हाईएस्ट पेड सिंगर थे पंजाब के। एंड ऐसा कहा जाता है कि वो एक बार आई थिंक कनाडा में एक शो करने गए थे तो अमिताभ बच्चन के लिए भी उतनी एक्स्ट्रा सीट्स नहीं लगाई गई थी जितने कि अमर सिंह चमकीला के लिए लगाई गई थी। वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी हस्ती है पर वो थोड़े अश्लील गाने गाते थे इसलिए कुछ लोग उनकी ये बात पसंद नहीं करते थे। उनको बहुत बार धमकियाँ मिली एंड एंड में उनको गोली मार दिया गया, उन्हें और उनकी वाइफ को। सो इस पूरी चीज़ के ऊपर उनके लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स आए, वो कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इस पूरी चीज़ को ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन ढंग से ऑडियंस के सामने पेश करती है एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग वे में, बिकॉज कहीं पे भी ऑडियंस इस फिल्म को देखते हुए बोर फील नहीं करेगी। इनफैक्ट फर्स्ट सीन से ही ऑडियंस इस फिल्म के साथ इंगेज हो जाएगी। एंड जैसा मैंने कहा कि इस फिल्म का जो म्यूज़िक है, जो गाने हैं, वो इस फिल्म का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। इरशाद कामिल के जो लिरिक्स हैं एंड जो ओरिजिनल अमर सिंह चमकीला के गाने थे उन्हीं को जो उन लोगों ने गाया है तो वो भी सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। डबल मीनिंग है, अश्लील गाने हैं एंड इन्हीं गानों के लिए उस टाइम पे वो कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी एंड उनको जो गोली लगी इसी के लिए लगी थी। एंड उस टाइम की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, जो 84 के दंगे हुए थे पंजाब में, वो सारी चीज़ों को भी फिल्म में दिखाया गया है। उसका क्या असर पड़ा था, क्या फ़ायदे हुए थे, क्या नुकसान हुए थे, वो सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है इस फिल्म में। सो टेक्निकली तो ये फिल्म मुझे बहुत ही वेल मेड लगी। एक प्रॉब्लम मुझे इस फिल्म से ये लगी कि हम कैरेक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट सीन में ही आपको दिखाया जाता है कि उनको गोली लग जाती है एंड कुछ फ्लैशबैक इवेंट्स के थ्रू आपको अमर सिंह चमकीला जी की पूरी स्टोरी बताई जाती है। एक कमी ये रही कि आप उन कैरेक्टर्स के साथ फील ही नहीं कर पाते हो, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा फिल्म का। बट इसके अलावा और कोई कमी नहीं है फिल्म में। वेल मेड फिल्म है, बहुत ही एंगेजिंग है, एंटरटेनिंग है एंड बहुत ही अच्छे से इस फिल्म को शूट किया गया है। जो सिनेमाटोग्राफी है, उस टाइम का जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा सही लगा देखने में। सो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो नेटफ्लिक्स पर जाकर के ये फिल्म देख सकते हो, आपको पसंद आएगी। सो ये रिव्यू पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।